दोस्तों क्या आपको पता है आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमें प्रोवाइड करता है, वो कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिलता है। ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, मतलब कि अगर हमारे लेजिस्लेचर ने कोई कानून पास किया है तो उसके तहत हमें कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है, हमें फांसी की सजा हो सकती है। बट हमारे भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है उसको लागू नहीं किया जाता, जो नेचुरल जस्टिस पे होता है। मतलब कि उसमें कानून में ये देखा जा सकता है कि ये नेचुरल जस्टिस दे रहा है या नहीं, हमारे यहाँ कानून पे सवाल नहीं उठाए जाते। ये डिफरेंस होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में।